हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहां हम लोग आज सीखने वाले हैं वेक्टर का अगला हिस्सा, जिसमें हम लोग दो वेक्टर को ऐड करने की कोशिश करेंगे। दो वेक्टर को हम लोग किस तरीके से जोड़ेंगे इसको मैं आज सिखाने वाला हूं। इसमें मैं तीन मेथड बताऊंगा। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स जो वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर अलजेब्रा में आता है, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल और एक छोटा सा वीडियो है हमारा यह। अगर आप लोग इससे पहले वाले वेक्टर के वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए। बिना उसको आप देखे, बिना उसको समझे, आप इस समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को हम लोग किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो यहां ट्रायंगल लॉ पर नहीं जा रहे हैं, पैरेललोग्राम पर नहीं जा रहे हैं, ये सिंपल है यार। हम लोग यहां तीन केस डील करने वाले हैं। पहला केस यह है, केस फर्स्ट, कि व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि इफ ए मैन डिस्प्लेसेस 4 मीटर इन ईस्टवर्ड, अगर एक आदमी 4 मीटर ईस्टवर्ड की ओर डिस्प्लेस्ड होता है एंड देन अगेन इट ही डिस्प्लेसेस 2 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, अगर फिर से वही आदमी 2 मीटर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होता है तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस तरीके का टॉपिक है। देखिये, अगर आदमी गया है 4 मीटर ईस्टवर्ड, इसको हमने इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर पी के द्वारा। ये पी वेक्टर है जिसमें एक मैन जो 4 मीटर किधर की ओर गया है, पूरब की ओर गया है एंड ही अगेन डिस्प्लेसेस 2 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, ये 2 मीटर, इसको हम लोग वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 मीटर ईस्टवर्ड। तो इस तरह के वेक्टर को, ये मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, आप बड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहां पर सिखाना यह है कि केस फर्स्ट में कि अगर दो वेक्टर है हमारे पास और दोनों का सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग उसे किस तरीके से ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इन दोनों का सम कर लेना है और रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यह जो रिजल्टेंट आएगा वह आपका 6 मीटर लंबा एरो बनेगा, यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, यानी कि 4 मीटर प्लस 2 मीटर, फाइनली आपको 6 मीटर और डायरेक्शन उधर ही रहेगा जिधर आपका डायरेक्शन था, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि रिजल्टेंट का पी वेक्टर के साथ या क्यू वेक्टर के साथ डायरेक्शन जो है सेम है, यानी कि 0 डिग्री एंगल है। यहां पर हम लोग क्या सीखे, अगर दो वेक्टर है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, तो उसको अगर हमें ऐड करना है तो इस तरह का एग्जाम्पल देखिए आप, एक आदमी है जो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया ईस्टवर्ड और फिर से ईस्टवर्ड ही वह 2 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका वेक्टर आर यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पी प्लस क्यू यानी कि 4 प्लस 2 6 मीटर ईस्टवर्ड ही होगा। क्लियर है यह टॉपिक, समझ में आया होगा। आगे देखिए, केस टू में हमें यह देखना है कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा, दो वेक्टर है हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड का या डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, लेकिन अगर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा तब उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये एक आदमी है, माना कि सपोज देर इज अ मैन मूविंग ईस्टवर्ड और ये ही डिस्प्लेसेस 6 मीटर ईस्टवर्ड, ये वही आदमी 6 मीटर ईस्ट की ओर डिस्प्लेस हुआ और उसके बाद वह 2 मीटर अगर पश्चिम की ओर डिस्प्लेस हुआ, यह हम लोग वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यह 2 मीटर पश्चिम की ओर आ गया। अब यहां आप देखें डायरेक्शन क्या है इसका,
अपोजिट हो गया, एक दूसरे से क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको करना यह है कि रिजल्टेंट जो है ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव के साथ रहेगा, तो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर इक्वल टू पी प्लस माइनस क्यू, यानी कि 6 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि पी माइनस क्यू, यानी कि आपको 6 माइनस 2 4 मीटर का रिजल्टेंट मिलेगा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा तो इसके लिए आप देखेंगे कि बड़ा मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है, तो बड़ा मैग्नीट्यूड अगर ईस्टवर्ड में है तो आपका फाइनल जो है रिजल्टेंट वह ईस्टवर्ड ही होगा 4 मीटर। ये हो गया आपका, ये 6 से छोटा और 2 से बड़ा बना दीजिए 4 मीटर ईस्टवर्ड। इसी में अगर इसको हम लोग 8 मीटर कर दें तो फाइनल जो आपको डायरेक्शन मिलेगा वो आपको वेस्टवर्ड मिलेगा, क्योंकि आप यहां पर लिखेंगे p माइनस क्यू तो 6 माइनस 8 6 माइनस 8 यानी कि फाइनली आपको माइनस 2 आएगा, इसलिए आपका फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्शन वेस्टवर्ड हो जाएगा। यहां पर हमें डायरेक्शन के पता लगाने के लिए करना क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपका बड़ा मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर बड़ा मैग्नीट्यूड ईस्टवर्ड तो फाइनल रिजल्टेंट ईस्टवर्ड, अगर बड़ा मैग्नीट्यूड अगर वेस्टवर्ड को दे दे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन वेस्टवर्ड। ओके क्लियर है अभी, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे मैं नेक्स्ट तीसरा स्टेप बता देता हूं जो लास्ट है हमारा केस। अब देखिए केस नंबर 3, इफ टू वेक्टर्स आर एट एन एंगल, अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर होंगे तब हम लोग किस तरीके से उसे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आप, अगर यह एक वेक्टर है p और यहां एक वेक्टर है q, अब ये दोनों सेम लाइन पर तो नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल पर एक्ट हो रहे हैं। इस कंडीशन में करना क्या है, हमें यह करना है कि आप पहले वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिए, पहले वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिए, हमने पी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया और पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा, पैरेलल शिफ्टिंग क्या है तो पैरेलल शिफ्टिंग वह बताता है कि आप किसी भी वेक्टर को पैरेलल में आप शिफ्ट कर सकते हैं, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यह अगर इस तरह से है तो आप इसको यहां भी ला सकते हैं, 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 इसी को आप कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो आप इसको यहां पर यहां शिफ्ट कर दीजिए और इस तरह से शिफ्ट करना है कि वेक्टर पी का जो टेल पॉइंट है वह वेक्टर पी के टिप पॉइंट पर पड़ना चाहिए, वेक्टर क्यू का सॉरी यहां पर देखिए वेक्टर क्यू का जो टेल पॉइंट है, क्यू का टेल पॉइंट पी के टिप पॉइंट पर पड़ना चाहिए। ले आइए इसको आप, यहां पर हमने इसको पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब करना क्या है कि आप पहले वाले वेक्टर के टेल को पकड़े और दूसरे वाले वेक्टर के टिप को पकड़े और इसको आप मिला लें। यहां जो एक नया एरो बना है वही एरो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देता है, मतलब कि आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। अगर इसका नाम ए बी सी लिख देते हैं आप तो आप लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, और आप यह भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू पी प्लस क्यू वेक्टर। तो इस तरह से आप जब दो वेक्टर किसी एंगल पर एक्ट होंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और वो एंगल कहां बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, आप पहले वेक्टर को आगे बढ़ाइए और फिर दूसरे वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है, पहले वेक्टर को आगे बढ़ाइए और दूसरे वेक्टर के साथ उसको एंगल बनाइए, ये वाला हमारा एंगल है यहां पर, यह वाला नहीं होगा एंगल, एंगल यहां यह होगा। हालांकि इसका उपयोग ट्रायंगल लॉ में भी आएगा, हमें पढ़ना है ट्रायंगल लॉ, जब पढ़ेंगे तो ये काफी क्लियर हो जाएगा। यहां हमें इतना ही देखना था, केस थर्ड, केस वन, केस टू, केस थर्ड। केस वन में हमने देखा कि जब दो वेक्टर, ये दो वेक्टर हमारा
दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में था, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, कोई बात नहीं है, सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाएगा। फिर जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, रिजल्टेंट आर इक्वल टू पी प्लस माइनस क्यू रहेगा, यानी कि आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। इस वाले केस में ध्यान देना है कि डायरेक्शन जो होगा फाइनल रिजल्टेंट का डायरेक्शन, वो बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के डायरेक्शन की ओर होगा केस दो में। और केस थर्ड में यह था कि जब कोई एंगल पर होगा तो आप पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा आप पहले वाले वेक्टर के टिप पर दूसरे वाले वेक्टर का टेल ले आए, और उसके बाद पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वाले के टिप से मिलाए, और इस तरह से आप AC इक्वल टू AB प्लस BC लिख सकते हैं, R इक्वल टू P प्लस Q वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हमने सीखा आज वेक्टर को, एक छोटा सा वीडियो था वेक्टर को जोड़ने का तरीका। इससे आगे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, और इसके बाद पहले देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर में एडिशन का क्या है, फिर एसोसिएटिव लॉ वेक्टर के एडिशन का क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप इसे ध्यान से पढ़ें, और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।